इसोपैक डी कैप्सूल जो कि बनाई जाती है माइक्रोलैब एलटीडी के द्वारा बनाई जाती है। डोमप्रिडोन्स 30 mg, इसमप्राजोल 40 mg रहता है और 174 रुपीस का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसके अंदर 10 टैबलेट रहती है। ये टैबलेट जो कि ये कैप्सूल जो कि ट्रीटमेंट करती है गैस्ट्रो इसोफेगस रिलीफ डिशीज में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज में सुझा तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको इसोफेक डी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। इसोफेक डी कैप्सूल जो कि बनाई जाती है माइक्रोलैब एलटीडी के द्वारा बनाई जाती है। डोमप्रिडोल 30 mg एंड इसमप्राजोल 40 mg रहता है। 174 रुपीस का ये 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये कैप्सूल जो कि ट्रीटमेंट करती है गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो कंटिन्यूसली ले रहे हो तो डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मुंह में सूखापन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैप्सूल काम कैसे करती है तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये खाली पेट लेने का और इसके अंदर दो दवाई डाली गई है डोमप्रिडोल और इसमप्राजोल डाला गया। डोमप्रिडोल एक प्रोकाइनेटिक्स है जो कि क्या करता है कि अपर डाइजेशन ट्रैक के अंदर मूवमेंट को बढ़ा देता है और अलाउ करता है, जिससे क्या होता है कि पेट के अंदर गैस कम हो जाता है। इसमप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है पेट के अंदर से एसिड को और हृदय के दर्द को। तो ऐसे काम करती है टैबलेट कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।